Good morning, friends. My name is Chitra Varun, and from today, we will start a series of complete biology syllabus of Lucent Book. Right? So, here I will briefly explain or discuss this book with you. So, let's begin. These are my credentials I did my PhD from National Dairy Research Institute Karnal and Masters from Thapar University Patiala, and of course, I did my

ये आपको सन याद रखने की इतना जरूरत नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज टू साइंटिस्ट लेमार्क एंड हु दिस टर्म बायोलॉजी फर्स्ट टाइम राइट सो यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स इन दिस पैराग्राफ वन इज वॉट इज बायोलॉजी बायोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस इन विच वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज देखो बायो का मतलब आपको पता है बायो मीन्स होता है लाइफ बायोस मींस लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी यानी कि लाइफ की स्टडी को करने को ही हम कहते हैं बायोलॉजी तो यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस पैराग्राफ ओनली टू थिंग्स वन इज वट इज बायोलॉजी एंड वॉट वी स्टडी इन बायोलॉजी सो लिविंग के बारे में हम स्टडी करते हैं एंड अनादर थिंग इज लमार्क एंड ट्रेवनस गेव द टर्म बायोलॉजी तो ये हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं नाउ बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस बायोलॉजी में कितनी ब्रांचेस होती हैं टू ब्रांचेस होती है वन इज बॉटनी स्टडी एंड अनादर वन इज जोअलॉजी सो बॉटनी में क्या करते हैं हम सो बॉटनी में हम क्या करते हैं बॉटनी ऑल्सो कॉल्ड एस प्लांट साइंस क्यों कहते हैं इसको plant science? क्योंकि हम बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं किसकी स्टडी करते हैं प्लांट की स्टडी करते हैं राइट एंड जोअलॉजी की अगर बात करें तो जुअलॉजी में हम स्टडी करेंगे किसकी एनिमल्स की तो so, जोलॉजी हो गया जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है एंड बॉटनी इन विच वी स्टडी द प्लांट ओनली राइट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन बॉटनी के अंदर जो फादर हैं फादर ऑफ बॉटनी इज थ्री ओ फ्रेस्टस राइट सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेॉजी दुआलॉजी इज अरिस्टोटल अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स टू थिंग्स वन इज बॉट फादर ऑफ बॉटनी इज थ्री ऑफरेस्टस एंड फादर ऑफ जुअलॉजी इज अरेस्टोटल

अनाटॉम anatom. अनाटमी से अनाटॉम वर्ड आता है एंड दैट ग्रीक वर्ड अनाटोम का मतलब होता है डाइसेक्शन राइट सो ये क्या है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है उनकी स्टडी की जाती है तो उसी ब्रांच को हम किसके uh, अंडर रखते हैं अनाटमी के अंदर ठीक है आपने अनाटमी की बुक भी अगर किसी साइंस का स्टूडेंट होगा तो उन्होंने देखी होगी कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन अनाटमी के बारे में पढ़ते हैं राइट ना एग्रोलॉजी एग्रोलॉजी में सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स राइट सो सॉइल साइंस यहां पर है सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी सॉइल की बात हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ जोइल्स है ठीक है अब एग्रो से आपको क्या याद रखना है एग्रो से सभी बोलते हैं कि एग्रो से मतलब एग्रीकल्चर हो गया बट इसका एग्रो से कोई एग्रीकल्चर नहीं हम बोल सकते बल्कि बोलेंगे कि एग्रोज मीन्स होता है फील्ड राइट और टिल्ड लैंड हम एग्रोज का मतलब अगर हम देखे हैं तो एग्रोज मीन्स होता है फील्ड सो इफ यू रिमेंबर दिस वर्ड एग्रोज फील्ड अगर आ रहा है दैट मीन दे आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द सॉइल ठीक है तो सॉइल साइंस की बात आती है तो एग्रोव आप ये छोटी छोटी चीजें अगर नोट करोगे इसमें तो दे आर बेसिकली दीज ऑल द वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स राइट जैसे अनाटमी अनाटमी अनाटम का मतलब होता है डिस्कशन वो डायसेक्शन करना राइट right? डायसेक्शन करना बॉडी पार्ट का सेम हेयर अगर हम एग्रोलॉजी की बात करेंगे एग्रोज मीन्स होता है टू स्टडी अबाउट द फील्ड फील्ड एंड इट्स रिलेटेड क्रॉप ठीक है सो so, एग्रो आपको पता चल गया एग्रोजी फील्ड की बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात हो रही है ठीक है सो so, एग्रोलॉजी में आप याद रख सकते हैं लॉजी का मतलब सभी को पता है टू स्टडी ठीक है तो सॉइल साइंस जितनी भी सॉइल होती है डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सॉइल के उनका डील करना विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप के साथ प्रोडक्शन के साथ ठीक है उसको हम क्या कहते हैं एग्रोलॉजी नाउ थर्ड इज एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप सो दीज टू टर्म्स आर क्वाइट सिमिलर सो हेयर इन एग्रोनॉमी में हम क्या करेंगे साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड सॉइल मैनेजमेंट भी आ जाता है कल्टिवेशन ऑफ लैंड भी आ जाता है एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी आ जाता है ठीक है तो ये थोड़े से एग्रोलॉजी एंड एग्रोनॉमी ठीक है इन में थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस है बट दे आर क्वाइट सिमिलर सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है ना एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास ना एग्रोस्टोलॉजी के अंदर एग्रोस्टिस एक क्या है ग्रीक वर्ड होता है एग्रोस्टिस जिससे निकलकर ये वर्ड आया है एग्रोस्टिस मीन्स अ टाइप ऑफ ग्रास ठीक है अ टाइप ऑफ ग्रास एंड लॉजी यू नो इट्स अ स्टडी राइट सो एग्रोस्टिस मींस है ग्रास तो इसी से ये वर्ड बना है एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास राइट नाउ आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ज्वाइंट राइट सो हेयर आर्थ्रोस का मतलब होता है ग्रीक में जॉइंट्स सो so, यहां से हमको याद रहेगा एंड यू ऑल्सो कैन रिमेंबर लाइक आर्थराइटिस आर्थराइटिस क्या है ज्वाइंट्स की जो बीमारी होती है घुटनों में उससे भी हम याद रख सकते हैं आर्थ्रोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ज्वाइंट नाउ एपीकल्चर एपीकल्चर में एपी का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड है एपी इसका मतलब होता है बीज एपी मीन्स बीज राइट लैटिन वर्ड है आपको याद रखना पड़ेगा एपी मीन्स होता है बीज कल्चर मीन्स टू कल्चर करना यानी कि उनको ग्रो करना उनकी पॉपुलेशन को या yeah, रियरिंग लिखा हुआ है रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी राइट रियरिंग का मतलब होता है सिंपली पालना किसको पालना हनी बीज को पालना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी सो बेसिकली का मतलब हो हो गया गया लैटिन वर्ड बीज बीज और वो भी कौन सी बी की बात कर रहे हैं हनी बी की सो रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी राइट सो आपको याद रखना पड़ेगा ये एपी कल्चर मीन्स होता है रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी नाउ एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन बींग राइट सो so, पर एंथ्रोस का मतलब समझते हैं ग्रीक मतलब होता है एंथ्रोपोस ठीक है ग्रीक का मतलब ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस जिसका मतलब होता है ह्यूमन राइट सो बींग्रोपोज यहां से आप ही निकालो एंथ्रोपोज ठीक है एंथ्रोपोज मीन्स क्या हो गया ह्यूमन इन ग्रीक वर्ड ये ग्रीक लेटर है एंथ्रोपोज ठीक है जिससे बना है एंथ्रोपोलॉजी जिसका मतलब हो गया कि ह्यूमन की स्टडी के बारे में ये ह्यूमन बींग की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है एंथ्रोपोलॉजी लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना अब ह्यूमन की भी कौन सी किस बारे में बात है उनके ओरिजिन जो हमारा जो पास्ट है हमारे जो पूर्वज है वो कैसे ओरिजिन हुए उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ एंड देन उनकी रिलेशनशिप जो पूर्वज है उनकी रिलेशनशिप बताइए जो आज के हमारे प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है उनके बीच में जो कनेक्शन है उनके बीच में जो कल्चर का डिफरेंस है रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पर जो स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट सो हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि एंथोलॉजी का मतलब क्या हो गया जो भी हमारे बॉटनी के अंदर हम फ्लॉर्स पढ़ते हैं और फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं उनके स्टडी को हम कहते हैं एंथोलॉजी एंड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोज का ग्रीक में वर्ड जो मतलब है एंड्रोज मीन्स मैन राइट सो यहाँ पर एंड्रोलॉजी क्या हो गया स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव जो भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है मेल्स को जो मेन्स की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज स्टडी अंडर द ब्रांच ऑफ एंड्रोलॉजी बिकॉज एंड्रोज मींस होता है मैन नाव ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स क्या है इट इज अ ब्रांच ऑफ बो बोटनी की जो ब्रांच है एक वो है ब्रायोफाइटा जिसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है और प्लांट्स कौन से ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोलॉजी में ग्रीक जो ब्रायस का मतलब हो गया वो होता है मॉस एंड लिवर वर्ल्ड तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं ब्रायोफाइट ताकि स्टडी करना ठीक है सो ब्रायोलॉजी मीन्स हो गया सिंपली स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड राइट बायोमैट्रिक्स इट इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोमेट्रिक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट करना और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनका मेजरमेंट करना फॉर एग्जाम्पल अगर फिंगरप्रिंट मैपिंग की बात करें फेशियल रिकोगशन की बात करें रेटिना स्कैन की बात करें तो दे आर ऑल कम्स इन कैटेगरी ऑफ बायोमेट्रिक्स ठीक है तो हमें सिंपली याद रखना है बायो वर्ड है दैट मीन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है एंड मैट्रिक्स स्टैटिस्टिकल स्टडी की बात हो रही है ठीक है बायोमेट्रिक्स मींस हो गया स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मेन राइट जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट्स आता है उन सब के जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ somebody लॉस्ट हिज आर्म और लिम्स और लेग समथिंग दे लॉस्ट देन they can be replaced by the artificial limbs and iron lung pacemaker etc. artificial pacemaker आपने सुना होगा कि हार्ट में फिट होता है ठीक है और आजकल आयरन लंग्स भी आ गए हैं आर्टिफिशियल limb तो पहले से ही थे ठीक है तो ये सब किसके अंडर आता है इन सब का जो सिंथेसिस है इनका जो प्रोडक्शन है वो आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के आ, अंदर आता है सो वी कैन सिंपली से प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स ठीक है

Uh, जो जीव है उनको टारगेट करके उनके अंदर पर्टिकुलर जीन इनकॉर्पोरेट करके और उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन करते हैं उसी जीन का ठीक है मास स्केल पे तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी आ जाते हैं बायोफ्यूल्स यानी कि जो बायोलॉजिकल प्लांट है उसके थ्रू हम फ्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं वो भी इसके अंडर आता है एंड देन आजकल बहुत सारे वैक्सीन हैं ये सभी क्या है मॉस स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो सब कैसे होती है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सभी कुछ ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी का सिंपल मतलब है बैक्टीरिया इट इज रिलेटेड विद द बैक्टीरिया राइट सो बैक्टीरिया का मतलब हो गया स्टडी ऑफ बैक्टीरिया ठीक है नाउ साइटोलॉजी साइटोलॉजी मीन्स सभी को पता है साइटो साइटोमीन्स होता है सेल लॉजी स्टडी स्टडी ऑफ सेल क्रायोबायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन राइट सो पर क्या होता है बेसिकली लो टेम्परेचर को इंड्यूस किया जाता है और उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी क्रायोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोल्ड ठीक है तो कोल्ड का जो इफेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म पे देखा जाना हम उसे कहते हैं क्रायोबायोलॉजी टिकल इंडिजुअल इन ए पॉपुलेशन जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब हो गया जिनका जीन एक जैसा हो ठीक है तो ये क्या है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट और एनिमल बनाना उसको हम कहते हैं क्लोनिंग करना ठीक है आइडेंटिकल मतलब सेम इंडिविजुअल बनाना इन ए पॉपुलेशन कार्डियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ हार्ट जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी किसमें किया जाता है अंडर द ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजी So we will continue our next uh, part in our next video. Thank you very much.